इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कुछ गेमिंग प्रोजेक्ट्स की जो काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट बुल रन में 2024 में। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपको 2024 में के लिए तैयार करना है तो उसकी प्रिपरेशन अभी से करनी है। एंड काफ़ी लोगों को सरप्राइज लगता है कि यह 10x 100x हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ 100x नहीं, यहाँ पे कॉइंस 1000x होते हैं। 16,000% 34,000% बहुत नॉर्मल बात है क्रिप्टो के बुल रन में। तो अगर आपका पहला बुल रन है तो आपको पता नहीं होगा, बट 100x, 1000x, 10,000x काफ़ी इजी बुल रन में होता है। बट ये तभी आप इसका गेन कर पाओगे जब आपको नॉलेज होगी प्रोजेक्ट्स की हर एक कैटेगरी वाइज, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और वो रिटर्न ले पाओगे। तो इस वीडियो में मैं टॉप 10 गेमिंग कॉइन्स कवर करना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि RWA प्रोजेक्ट्स, रियल वर्ल्ड एसेट कॉइन्स। नाउ RWA एंड प्लस गेमिंग भी इस साल काफ़ी हॉट टॉपिक है, तो गेमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नाउ गेमिंग, अगर इंडस्ट्री की बात किया जाए तो गेमिंग प्रोजेक्ट्स होते क्या? सबसे पहली बात, गेमिंग प्रोजेक्ट वो है जो गेम्स है वो ब्लॉकचेन पे बिल्ट हो रहा है। नाउ होता क्या, जब आप कोई भी गेम डिसेंट्रलाइज्ड वे में ब्लॉकचेन पे बिल्ड करते हो तो जितने भी गेम कैरेक्टर्स होते हैं वो जो भी प्लेयर है वो खुद उसको ओन कर सकता है थ्रू NFT एंड उसको बाय एंड रीसेल कर सकता है। इसके लिए आप बहुत सारे प्रोजेक्ट देखोगे, सैंडबॉक्स एंड डिसेंट्रलैंड, यहाँ पे लोग चीज़ें बाय करते हैं और उसको रीसेल भी करते हैं, ना कि ट्रेडिशनल गेम्स जहाँ पे आपने कोई इन गेम आइटम्स बाय किया तो उसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं होता है। गेमिंग इंडस्ट्री ऑन ब्लॉकचेन इज वेरी डिफरेंट एंड एब्सोल्युटली ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। अगर आप रिसर्च की देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने खुद बोला है कि गेमिंग इंडस्ट्री $1 trillion मार्केट बन सकती है। ना फिलहाल जो ट्रेडिशनल गेमिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे 2023 में देखोगे तो 257 billion के आसपास है। ना यहाँ पे जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट मैं आपके साथ में बताने जा रहा हूँ उनकी जो मार्केट कैप है 1 billion भी नहीं है, तो भी मैं उनको लार्ज कैप्स में गिन रहा हूँ बिकॉज ब्लॉकचेन के गेम्स उतने अट्रैक्टिव नहीं है फिलहाल कंपेयर टू ट्रेडिशनल गेम। इसीलिए जो भी प्रोजेक्ट्स हैं मैं बताने जा रहा हूँ वो सारे लार्ज कैप्स अकॉर्डिंग टू मी, इवन दो उनकी जो मार्केट कैप है बिलो 1 billion। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं 10 projects बताने जा रहा हूँ सबकी मार्केट कैप 1 billion के नीचे है। तो आपके ऊपर है, आप उसको लार्ज कैप में गिनना चाहते हो या स्मॉल कैप में गिनना चाहते हो। तो होता क्या, जब आप लार्ज कैप कॉइन्स की बात करते हो तो आप बहुत बड़ा गेन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी मार्केट कैप ऑलरेडी काफ़ी बड़ी है। तो फिर भी मैं यहाँ पे मिनिमम काउंट कर रहा हूँ, लेट्स 10x। नाउ अगर 10x भी अगर आप ग्रोथ काउंट करते हैं, अगर आपने 500 इन्वेस्टमेंट किया या $1000 इन्वेस्टमेंट किया तो आपका 500 का इन्वेस्टमेंट इजिली 5000 का इन्वेस्टमेंट 10,000 हो सकता है। अगेन आपको सारे प्रोजेक्ट्स चूज करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे 10 प्रोजेक्ट्स बताने जा रहा हूँ, आपको जो सही लगे 1, 2, 3, 4 आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि जो भी आप रिस्क करने के लिए तैयार हो, $100, $500 या जो भी। सो नाउ व्हाई मैं ये चूज कर रहा हूँ ये टॉप गेमिंग प्रोजेक्ट्स, बिकॉज इनका ऑलरेडी यूजर बेस है, ये गेम्स ऑलरेडी लाइव गेम्स हैं और इनके ऑलरेडी यूजर बेस हैं। नाउ मार्केट रिकग्निशन, लोगों को पता है एक्सी इन्फिनिटी के बारे में, सैंडबॉक्स के बारे में, डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको एडवांटेज मिलता है। दूसरा, इकोसिस्टम ग्रोथ, बिकॉज ये लोग 4 से 5 साल से काम कर रहे हैं, इनका इकोसिस्टम बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, फ्यूचर में बहुत सारे ये लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं और एक्टिव टीम है। एंड इसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लास्ट बुल रन में अच्छा परफॉर्म किए हैं एंड बिकॉज दे हैव एन एक्टिव कम्युनिटी एंड रिकग्निशन, ये बुल रन में भी ये लोग अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट मार्केट कैप की, ईयर ऑफ ट्रेडिंग, करंट टोकन प्राइस क्या है, ऑल टाइम हाई प्राइस क्या है टोकन का, यूटिलिटी क्या है एंड अपसाइड पोटेंशियल। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉप मार्केट कैप। सो एंड अगेन मैं टॉप 10 कॉइन्स ले रहा हूँ, बट आप खुद की रिसर्च करना और आपको जो कॉइन्स में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नॉलेज लगे उसी कॉइन्स में आप इन्वेस्टमेंट करना पिक। सो जो फर्स्ट कॉइन है लिस्ट में इज एक्सी इन्फिनिटी। अगर आपको पता है आप 2 या 4 साल से क्रिप्टो में हो तो आपको पता है कि एक्सी इन्फिनिटी ने एक्चुअली जो प्ले टू अर्न मॉडल है उसको मेन स्ट्रीम किया था। अनफॉर्चुनेटली इनके साथ जो रोनिन ब्रिज है वहाँ पे हैक हो गया और इनका मार्केट पूरा कोलैप्स हो गया था, बट एक्सी इन्फिनिटी ने एक एग्जांपल सेट कर लिया था कि यस प्ले टू अर्न इज पॉसिबल। सो एक्सी इन्फिनिटी की मार्केट कैप अभी भी $815 million है, सो नॉट इवन 1 billion येट। सो अगेन इसका अपसाइड पोटेंशियल है एंड नेक्स्ट बुल रन में ये लोग अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। इनका ऑल टाइम हाई 165 के आसपास गया था
एंड करंट प्राइस इज ओनली $5.73। सो आई डू थिंक ये एक्सी इन्फिनिटी आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और बाय द वे एक्सी इन्फिनिटी से मैंने बताया 16,000% ग्रोथ मिला था लास्ट के बुल रन में। तो आपको पता, अगर आपने एक्सी इन्फिनिटी गेम खेला है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। बट AXS इज अ गवर्नेंस टोकन एंड दिस इज ऑल्सो यूज फॉर बाइंग इन गेम आइटम्स विद इन एक्सी इन्फिनिटी। जो भी इन गेम आइटम्स है आप उनको AXS टोकन से खरीद सकते हो। तो ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है आपके पोर्टफोलियो में होने के लिए। सेकंड जो प्रोजेक्ट है सैंडबॉक्स अगेन इज अ मेटावर्स एंड गेमिंग प्रोजेक्ट और इनकी मार्केट कैप है 799 मिलियन, अगेन बिलो 1 बिलियन। इनका ऑल टाइम आ गया था $8.44 एंड फिलहाल बिलो $1 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सैंडबॉक्स के पास ऑलरेडी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। जो सैंड टोकन है उसकी यूटिलिटी आप लैंड बाय एंड सेल करने के लिए करते हो, एसेट्स बाय करने के लिए करते हो, एट द सेम टाइम सैंडबॉक्स को गवर्नेंस के लिए भी सैंड टोकन का यूटिलिटी है। जो थर्ड है प्रोजेक्ट वो डिसेंटलैंड है माना। इसकी जो ऑल टाइम हाई गई थी वो $5.99 गई थी, फिलहाल 39 सेंट्स पे ट्रेड है। अगेन दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग मेटावर्स प्रोजेक्ट इन क्रिप्टो। 749 मिलियन की इनकी मार्केट कैप है। अगेन इनकी कम्युनिटी बहुत ही बड़ी है। इनका जो टोकन है माना टोकन है और ये सेम यूटिलिटी आप ये जो माना टोकन है आप लैंड बाय करने के लिए लेते हो, इन गेम एसेट्स बाय करने के लिए लेते हो, एट द सेम टाइम माना टोकन गवर्नेंस के लिए भी काम में आता है। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है गाला गेम्स इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ब्रांड इन ट्रेडिशनल गेम्स ऑल्सो। इनके पास पूरा गेमिंग का इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे जो टोकन यूटिलिटी है गाला की, ये नोट्स रन करने के लिए होती है, गेम्स के लिए आप प्रपोजल डाल सकते हो, एंड देन रिवॉर्ड्स के लिए भी यूज होता है। जब आप गेम खेलते हो यू कैन बी रिवॉर्डेड इन गाला गेम्स। इसकी जो करंट मार्केट कैप है 620 मिलियन है। सो एज यू कैन सी जितने भी गेम्स हैं सबकी मार्केट कैप बिलो 1 बिलियन है फिलहाल। इसका ऑल टाइम हाई अराउंड 80 सेंट्स के आसपास गया था, 70-80 सेंट्स के आसपास, एंड फिलहाल 0.02 सेंट्स पे ट्रेड हो रहा है। ट्रेडिशनल गेमिंग कंपनी जो ब्लॉकचेन में एंट्री मारी है। जो नेक्स्ट गेमिंग प्रोजेक्ट है वो इल्यूवियम है। सो इल्यूवियम की करंट प्राइस है $96। इनका ऑल टाइम हाई $2,800 के आसपास गया था ना। तो कंपेयर टू सैंडबॉक्स एंड डिसेंटलैंड इनकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट हाफ है। सो डोंट लुक एट द प्राइस में महंगा लगेगा, बट लुक एट द मार्केट कैप, ऑलमोस्ट हाफ मार्केट कैप है। तो इसमें डेफिनेटली अपसाइड पोटेंशियल। तो इल्यूवियम गेम इनके ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पे जो ILV टोकन है उसकी यूटिलिटी गवर्नेंस के लिए होती है एंड रिवॉर्ड्स के लिए होती है। तो डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द टॉप प्रोजेक्ट्स। उसके बाद एंजिन कॉइन बहुत सालों से लोग काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2018 या 19 से लोग काम कर रहे हैं, एंड इनकी मार्केट कैप है फिलहाल 266 मिलियन। एंजिन पूरा बेसिकली गेमिंग इकोसिस्टम बना रहा है। टोकन की ऑल टाइम हाई गई थी $4.85, फिलहाल 0.26 सेंट्स पे ट्रेड हो रहा है। जो नेक्स्ट है वो YGZ टोकन है, यील्ड गिल गेम्स। अगेन ये लोग गेमिंग का पूरा इकोसिस्टम ये लोग प्रोवाइड करते हैं। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो YGZ टोकन है जिसका नाम है यील्ड गिल गेम्स। सो बेसिकली ये इकोसिस्टम है। जो नेक्स्ट है वो यील्ड गिल गेम्स है, YGZ टोकन। यील्ड गिल गेम्स कोई गेम नहीं है, बट यहाँ पे जितने भी गेम्स हैं वो यहाँ पे कोलैबोरेट करते हैं और ये यील्ड गिल उनको हेल्प करता है कम्युनिटी बिल्डअप में एंड ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेम्स इनके पास एक्सी इन्फिनिटी, लीग, एल्यूमिनियम। सो बेसिकली जो पूरा गेमिंग इकोसिस्टम है उसको ये लोग इनेबल करते हैं YGZ में। तो इनका टोकन प्राइस अगर आप देखोगे तो 0.35 पे ट्रेड हो रहा है। इनका ऑल टाइम आ गया था $11 एंड इनकी मार्केट कैप है फिलहाल $100 मिलियन। तो इसमें डेफिनेटली अपसाइड पोटेंशियल है। तो अगर गेमिंग क्वाइंस अच्छा करते हैं, गेमिंग इकोसिस्टम अच्छा करता है, तो YGZ का डेफिनेटली यहाँ पे चांस है ग्रो होने का। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो एलिस टोकन है, फिलहाल 0.90 पे ट्रेड हो रहा है एंड इसका ऑल टाइम हाई $42 गया था। ये लोग 2021 से काम कर रहे हैं और इनकी मार्केट कैप सिर्फ 61 मिलियन है फिलहाल। जो नेक्स्ट कॉइन है वो एलियंस वर्ल्ड है, 0.01 पे ट्रेड हो रहा है। लास्ट बुल रन में इन्होंने $6 तक ये लोग गए थे। मार्केट कैप हालांकि बहुत छोटी है 45 मिलियन, बट ये काफ़ी रिस्की भी हो सकता है। तो अगेन डू योर ओन रिसर्च। इनकी एक्टिव कम्युनिटी इनकी काफ़ी एक्टिव है, गेम भी अच्छा है, बट वो प्राइस में हम लोग को देखने को अभी तक नहीं मिला है। एंड जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो स्टार एटलस है। स्टार एटलस इज वन ऑफ द टॉप गेमिंग प्रोजेक्ट ऑन सोलाना एंड इनकी मार्केट कैप सिर्फ 44 मिलियन है। और आपको पता है कि सोलाना का इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा कर रहा है एंड स्टार एटलस बिकॉज वन ऑफ द टॉप गेम है सोलाना पे, ये इसमें पोटेंशियल काफ़ी है। इनकी मार्केट कैप सिर्फ 44 मिलियन है, तो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज
काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल ये 0.03 पे ट्रेंड हो रहा है और इसकी ऑल टाइम हाई गई थी 0.27। और यहाँ पे आप देख सकते हो जिनका टोकन है एटलस टोकन, उसकी यूटिलिटी इन गेम आइटम्स बाय करने के लिए एंड गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये कुछ टॉप लार्ज कैप कॉइन्स कवर किया यहाँ पे, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि गेमिंग प्रोजेक्ट्स में कौन से टॉप कॉइन्स हैं। ऑफकोर्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ लो कैप्स भी काउंट करूंगा। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू प्रोजेक्ट्स।